नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने एक विवादित बयान की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। इस बयान के बाद से ही केपी शर्मा ओली न सिर्फ भारत में बल्कि अपने ही देश नेपाल में भी लोगों के निशाने पर हैं। भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध अयोध्या से जुड़ी कई बातों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने अयोध्या की एक ऐसी राजकुमारी के बारे में सुना है जो कोरिया की महारानी बन गई थी? हालांकि आपको ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान की तरह ही थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दक्षिण कोरिया के लोग भी इस बात को मानते हैं और अक्सर अयोध्या आते रहते हैं। इस महारानी का नाम ह्यो होंग ओक था, जो प्राचीन कोरियाई राज्य कारक के संस्थापक राजा किम सूरो की भारतीय पत्नी थी। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कोरिया के उस महारानी का स्मारक भी है जो कभी यहाँ की राजकुमारी थी। अयोध्या में इस राजकुमारी को रीरत्ना के नाम से जाना जाता है। कोरिया के इतिहास के मुताबिक महारानी ह्यो होंग ओक यानी राजकुमारी रीरत्ना भारत से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत के किमहाई शहर गई थी और वहीं की होकर रह गई। कहा जाता है कि महारानी ह्यो होंग ओक और महाराजा किम सूरो के कुल 12 बच्चे थे। आज कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग खुद को राजा किम सूरो और अयोध्या की राजकुमारी के वंश का बताते हैं। किमहाई शहर में महारानी ह्यो होंग ओक की एक बड़ी प्रतिमा भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग और पूर्व प्रधानमंत्री ह्यो जियोंग और जोंग पिल किम भी कारक वंश से ही आते हैं। इस वंश के लोगों ने उन पत्थरों को आज तक संभाल कर रखा है जिनके बारे में माना जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी अपनी समुद्री यात्रा के दौरान नाव को संतुलित रखने के लिए उन्हें अपने साथ लाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल सैकड़ों दक्षिण कोरियाई अपनी पौराणिक महारानी ह्यो होंग ओक को श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का दौरा करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।